आज आप दोनों ने हमारा बहुत समय बर्बाद किया है, अब हमें ट्यूशन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। आज समय बर्बाद हो गया तो क्या हो गया बेटा, एक दिन में प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाएगा तू, इसलिए चुपचाप बैठा रहा, समझा? हाँ, एक दिन ट्यूशन नहीं जाएगा कुछ बिगड़ ना जाएगा तेरा। परंतु आज हमें अवश्य ट्यूशन जाना है, आज हमारी मैथ की क्लास है। चल बेटा, तू लेट हो रही, क्या कर सकते हैं, आज ट्यूशन लेके चलते हैं। अबे चल आउट, अबे उठ ना। छोड़ दीजिए आप दोनों हमें, छोड़ दे छोड़ दे, नहीं तो साला मास्टर से शिकायत करेगा जाके हमारी। ये साले मास्टर ने भी जीना हराम कर रखा है। मास्टर जी के बारे में सब मैं सुनूंगा, तब मुझसे बात कीजिए आप लोग। हाँ, तेरा बाप लग रहा है ना मास्टर, जो कुछ नहीं सुनेगा, बुरा लग रहा होगा तुझे। साले मास्टर की नाजायज औलाद, हार जा। ओ, अब समझ आया, ये मास्टर का तेरे घर इतना आना जाना कैसे लगा रहता है। क्या तो सही रहा तू। हाँ भाई, ये मास्टर इतना ज्यादा क्यों आता है तेरे घर? वो मास्टर जो हमें एक्स्ट्रा क्लास देने आते हैं। अच्छा, हमें देर हो रही है, जल्दी चलिए, अब हमसे पर्सन करे जा रहे हैं। चल यार, इसे देर हो रही है, इसमें उसकी डबल फोर बैटरी बन जाएगा ये। चल चल चल, चार चश्मे लग जाएंगे वरना। चल चल, और भाई अनिकेत यहाँ कैसे? भैया आपको टेंशन नहीं जाना क्या? तुम पहुँच जाओ, मेरी टेंशन मत लो, वैसे भी मास्टर इसका बाप है, मेरा नहीं। कोई बात नहीं, आप आ जाएगा। अच्छा एक बात बता, ये मास्टर सच में क्लास देने आता है ना तेरे घर? हमें तो ना आता है एक्स्ट्रा क्लास देने। ना भाई, तुझे क्लास देने ना आएगा मास्टर। आ जाएंगे मास्टर जी, लेकिन उसके लिए तुम मास्टर जी से विनती करनी पड़ेगी। इसके घर तो विनती करने से भी ना आएगा मास्टर। क्यों? क्योंकि इन दोनों खून का रिश्ता नहीं ना, जो कि तेरा और मास्टर का। खून का रिश्ता? कैसे खून का रिश्ता? अबे मास्टर और तू बाप बेटे है ना, और बाप बेटों का खून का रिश्ता बहू आई। ये क्या समझिए, बदतमीजी? कहाँ की बदतमीजी, अबे सच्ची तो कहा। मास्टर जी, ये दोनों आपके विषय में अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। देख, पहुंच गया साला अपने बाप के पास। कहाँ? रास्ते में। क्या अभद्र टिप्पणी कर रहे थे ये मेरे बारे में? हमने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी सर आपके बारे में। हम जानते हैं ये बालक हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हमें विश्वास है इस बच्चे की बात पर। तुम दोनों ने जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा। क्यों नहीं होगा, बेटा जो ठहरा तेरा। मेरे लाल, क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम दोनों? सब जानता हूं मैं, थोड़ा जोर से बोल लो ताकि हमें भी कुछ सुनाई दे जाए। नहीं मास्टर जी, हम तो कोई खुसुर पुसुर नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, बैठ जाओ तुम तीनों। Thank you.
चलो अच्छा बालको, ये बताओ कि 29 फरवरी के बाद क्या आता है? मास्टर जी 30 फरवरी। अरे कौन बदतमीज है ये? अबे गधो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 29 फरवरी के बाद क्या आता है? चल बेटा राहुल, आप खड़े हो और इन सबको बताओ कि 29 फरवरी के बाद क्या आता है। बहुत बढ़िया राहुल बेटा, नवे नालायको बजाओ ताली। होगा क्यों नहीं, बाप जो ठहरा तो इसका। और तो ओहो, आ गए तुम भी नालायको। अबे कभी टाइम पे आओगे या नहीं आओगे, हमेशा जिंदगी में लेट लतीफी रहोगे। टाइम क्या हुआ यार, ओहो घड़ी भी घर भूला यार। अबे बताओ ये घड़ी भी खराब पड़ी है। अरे तुम्हारे में से कौन घड़ी पहन कर आया है? मास्टर जी मैं आया हूँ पहन कर। बता जरा समय क्या हुआ है? लेकिन मास्टर जी मुझे तो घड़ी देखनी नहीं आती। हाँ मास्टर जी, इसे तो घड़ी देखना ही नहीं आती। तो मेरे लाल तुम ही बता दो। पर कैसे मास्टर जी? अबे गधे, घड़ी में देख के बता दे। लेकिन मास्टर जी मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है। यार किस गधे से पूछ लिया। अबे इसकी घड़ी में देख के बता। मास्टर जी लेकिन मुझे भी टाइम देखना नहीं आता। अबे ये क्या हो रहा है तेरी घड़ी में? मास्टर जी विकास। अबे ये कैसा विकास है भाई? मास्टर जी कब से 60 पर अटकी हुई थी, मैंने 75 कर दिया। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप सभी लोग अपनी फीस लाए हो? लाए हैं मास्टर जी। मास्टर जी मेरी फीस तो टाइम पर आती है, आज मैथ करवा दो। मास्टर जी कल मैं ट्यूशन नहीं आऊंगा, मुझे पीर गार्डन घाट जाना है। मास्टर जी ये झूठ बोल रहा है, इसे लेके जाना है। गजूधर बेटा लाओ, आप अपनी फीस जमा कराओ। चंदू आप भी आ जाओ। चुपचाप निकल ले बेटा, नहीं तो साला मास्टर आज घर जाने ना देगा। हाँ भाई इसलिए भी न जाने देगा मास्टर आज, इसके देखने से पहले निकल लेते हैं यहाँ से। मोहनलाल आप भी आओ। ओए ओए तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मास्टर जी, हम भाग थोड़ ना रहे हैं, हम तो दरवाजा बंद करने जा रहे थे। हाँ मास्टर जी, वो बाहर से लोग झांक रहे थे ना, इसीलिए दरवाजा लगाने गए थे। अबे ओए तुम दोनों इधर आओ और तुम जाके बेटा बैठो अपनी सीट पे। चलो कोई बात नहीं, फीस दो तुम दोनों। मास्टर जी कितनी फीस हुई हमारी? हमारे हो गए 5034 रुपए। क्या मास्टर जी फीस मांगो ना, फीस क्यों मांग रहे? अरे भाई हम एक हफ्ता ट्यूशन नहीं आए, फीस इतनी बढ़ गई।
मास्टर जी ये फिर दोबारा गोली दे देंगे। अबे गधो, ये पूरे एक साल की फीस है जो तुमने नहीं भरी है। ठीक है मास्टर जी, हम दोनों आपको 5,034 रुपये दे देंगे। हम दोनों की फीस 5,034 रुपये है ना मास्टर जी? अबे गधो, दोनों की नहीं एक की, दोनों की हुई 10,068 रुपये। दे देंगे मास्टर जी, कहाँ भागे जा रहे हैं हम। मास्टर जी क्या करोगे इतने पैसों का, सब यहीं धरा जाएगा, क्या करोगे। ये मुझे मत समझाओ नालायक, ये मुझे भी मालूम है, चुपचाप अपनी फीस जमा कराओ। मास्टर जी वो बात ये है कि फीस तो हमारे पास है नहीं, कल दे देंगे। अबे गधो, पिछले एक साल से तुम मुझे गोली दे रहे हो, आज तो बेटा फीस देनी ही होगी। मास्टर जी कल पक्का दे देंगे, बस एक दिन का टाइम होता तो। अरे बेटा उठ यार, उठ यार बेटा, अरे उठ। अरे मास्टर जी दे देंगे, कल दे देंगे। मास्टर जी, मास्टर जी दे देंगे, कल दे देंगे। चल बेटा चल चल, कल जमा कर दिए, कोई बात नहीं, चल कर चल। चलो जाओ अपनी सीट पे बैठो। अबे ओ गधे, तू किधर चल दिया, तुझे चरण स्पर्श नहीं करने क्या? मास्टर जी पढ़ाने की फीस लेते हो, अगर चरण स्पर्श करने की बात की तो अभी फीस दे दूंगा। क्यों भाई दे ना? अच्छा बहुत नैन मटक के हो रहे हैं आपस में, चलो तो ठीक है बेटा, आज मेरी फीस जमा कर ही दो। मास्टर जी फिर वही बात कर दी, आप भी क्या याद करोगे, आज आपकी फीस दे देते। निकाल ₹10,068 की लीजिएगा। मास्टर जी अब हमें मत टोकना, हम दोनों ने आपकी फीस दे दी है। ठीक है बेटा, चलो भाई इसी के साथ आज की क्लास आपकी खत्म होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मुझे नमस्ते। अरे यार इसमें तो यार पैसे कम लग रहे हैं, लग रहा है चूना लगा है दोनों।